जी को लेटर भेज करके पूछा, वहीं से मुझे ये पता चला कि सीधे सज़ा नहीं होगी, पहले उन दोनों की काउंसलिंग होगी और उसमें पूरा एक कमेटी होगी जिसमें काउंसलिंग होगी और उसको समझौता करके पहले घर भेजा जाएगा कि वो घर जाएं, और पहले जो आदमी जेल जाएगा वो फिर कैसे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट गवारा करेगा कि वो औरत जो मेरी बीवी है जिसने मुझे जेल भेजा है मैं दोबारा उसको बीवी बनाऊं? ऐसे खुददार मैं तो कहूँगी अगर मेरे भी घर में खुदा ना करे अल्लाह ना करे ऐसा ना बताएगी तो मैं कैसे मंजूर करूँगी कि मैं बेटी बहू जेल भेज रही है तो वो बेटा कबूल कर लेगा। पहली बात तो ये बहू को मैं बेटी की तरह प्यार दूँगी और बेहू को बहू की तरह नहीं समझूंगी, सास की तरह नहीं रहूंगी, माँ की तरह प्यार दूंगी। और बिल के मामले में हम लोगों ने एक अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा में बात की है और ये इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे भी वार्ता चल रही है, मैं भी टच में हूँ और ये कानून इंशाल्लाह जो भी बनेगा वो शरीयत के हिसाब से बनेगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दी थी तब भी ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हमें कबूल है, लेकिन कुछ हल्का कह रहा था कि हम ये शरीयत में मदाखलत है, जबकि एक बार में एक ही सांस में तीन तलाक क्यों दिया जाए। पार्लियामेंट में बिल जा रहा था तब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रविशंकर प्रसाद जी और माननीय लॉ कमीशन के चेयरमैन जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको लेटर भेजा कि पर्सनल लॉ बोर्ड को भी शामिल करें, महिला बोर्ड को भी शामिल करें, जमीतुल्लाह हिंद को शामिल करें, अहले हदीस को शामिल करें, तब ये कब पार्लियामेंट में कानून भेजा जाए। तो उन्हीं ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो हम ज़रूर इस बिल बनाएंगे और इस बिल को नहीं मानूंगी, ये बिल को नहीं मानूंगी। नहीं मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। ये बिल में बहुत सारी चीज़ें सही हैं, नहीं ये बिल को पूरी तरह नहीं मुकम्मल हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस बिल में जो कुछ सुझाव हमने दिए हैं वो सुझाव ज़रूर होने चाहिए। एक बार में जेल नहीं होगी और गुजारा भत्ता की बात है, आपको कैसे पता सुधार नहीं हो रहा, आपको कैसे पता सुधार नहीं हो रहा है? हम पूरी तरह समर्थन में भी नहीं है और विरोध, सुनिए पहले, नहीं नहीं आप पूरी बात को आधी अधूरी ना करिए, हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ। हम इस बिल का समर्थन करते हैं कुछ अमेंडमेंट के साथ। ये साइस्ता अंबर जी के को शरीयत का अमल करने के लिए, अमल शरीयत के खिताब से नवाजने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन पारक महासंघ ने किया है, जिसमें मैं खुद सांसद हूं और आप उपेंद्र सिंह रावत जी पारक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मेरी पत्नी जयदेवी कौशल जी वो भी विधायक है मलियाबाद से। कुछ तलाक हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जो 3 साल की सज़ा है तो कोई सज़ा सीधे नहीं है। अगर कोई सीधे 3 बार में तलाक तलाक कह देगा तो उसका मुकदमा कानून बनाएगा, उसका मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा चलेगा, उस पर पूरी बाकायदा काउंसलिंग होगी, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब वो व्यक्ति तलाक देने वाला व्यक्ति ये मान लेगा कि हमने शरीयत का पालन नहीं किया और सीधे हमने तलाक दे देने का काम किया, तब जा करके सज़ा का प्राविधान है, तब सज़ा होगी। और चूंकि आज लोग जो सड़कों पर कुछ लोग उतार करके महिलाओं को ला रहे हैं कि ये 3 तलाक का कानून नहीं बनना चाहिए, ये गैर शरीय है, वो गलत बोल रहे हैं, ये गैर शरीय नहीं है। सच बात तो ये है कि केंद्र की सरकार पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का कानून बनाकर शरीयत पर अमल कराने का काम कर रही है और 3 तोहर में तलाक जो महिला को दी जाती है उसकी गलतियों को बताते हुए गवाहों के सामने क्या कोई तलाक इस तरीके से दे रहा है? नहीं दे रहा है। लोग तो गुस्साते हैं, दारू पी लेते हैं, नशे में होते हैं या झगड़ा हो गया उसमें 3 बार तलाक तलाक बोल करके उसको किनारे कर दिया। ये शरीयत का पालन नहीं है बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीका निकाल रखा लोगों ने गैर तरीके से, तो उसमें बच्चे बेघर हो जाते हैं, महिला की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। मगर साइस्ता अंबर जी ने 2 फरवरी 2005 को इसी शरीयत का पालन कराने के लिए, अमल कराने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया लखनऊ में, और अंबर फलाही धर्मशाला अंबर मस्जिद में हर फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन वो एक दारुल कजा लगाती हैं,
पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनको बाकायदा नोटिस देती हैं, उनके शौहर को बुला के दोनों की बात सुनती हैं और उनका प्रयास होता है कि दोनों लोगों को आपस में फिर से संबंध उनके ठीक कराने का काम किया जाए। शाइस्ता अंबर जी को अमल ए शरीयत के सम्मान से नवाजने का काम हम लोगों ने किया। गाँव में कन्फ्यूजन है, उसके पीछे का कारण ये है कि महिलाएं हमेशा ज़्यादातर धर्मगुरुओं की, अपने शौहर की बातें मानती चली आती हैं। उनको जो बता दिया जाता है वो बेचारी जानती, उनको मालूम भी नहीं है। मालूम होता तो उनको लड़ती, उसके लिए कुछ संघर्ष करती। तो कन्फ्यूजन जानबूझ करके क्रिएट किया करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग इस बिल, ये बिल ना आए, पार्लियामेंट में ना पास हो, इसका कानून ना बने, महिलाओं के अंदर जो डर बना करके, मुस्लिम महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करके रखते थे कि मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, वो खौफ बना रहे, वो लोग इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। वरना ये जो बिल है जो लोकसभा में आया है, इससे शरीयत का पालन होने जा रहा है, इससे शरीयत में कहीं कोई दखलंदाजी होने नहीं जा रही है। इसलिए जो लोग भी खिलाफत कर रहे हैं ना करा करके गुमराह करने का काम महिलाओं को कर रहे हैं। बिल बनने से पहले शरीयत का पालन नहीं हो रहा था, लगता है। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे घर के ऊपर एक मुस्लिम महिला आई, उसका शौहर आया, आपस में बातचीत हुई और उसने 3 बार वहीं पर तलाक दे दिया। मेरे सामने की घटना है ये, मेरे घर के ऊपर। तो जो व्यक्ति वो गैर शरी था, शरीयत का पालन सही तरीके से जो करना चाहिए तलाक के इशू पे, निश्चित तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए कानून बन करके आ रहा है। और शरीयत का अगर पालन हो रहा होता तो जितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को तलाक दी गई है, शायद उसमें 1% भी तलाक नहीं होती। शिक्षा की कमी है और शरीयत के बारे में या तो या अपने आक्रोश और गुस्सा को शांत नहीं कर पाते, और जो अपने से कमज़ोर होता है उसी पर आदमी जुल्म करता है, तो इसलिए वो बीबी कमज़ोर होती है, इसलिए उसको उसके डर पैदा करने के लिए वो फौरन तलाक दे देने का काम करता है।